डीएम सिटी करनाल में किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन ड्रैगन मार्शल आर्ट अकादमी द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में करीब 125 खिलाड़ियों ने अपना पूरा दमखम दिखाया। इसमें लड़कों और लड़कियों के विभिन्न आयु वर्ग में कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। इस मौके पर अकादमी के संचालक एवं राष्ट्रीय कोच अमरजीत, कोच दीपचिंद, मैडम वर्षा अंशु ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की एवं खेल की तकनीकियों से अवगत करवाया। उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे खेल को खेल की भावना से अनुशासन में रहकर खेलें। उन्होंने कहा कि उनकी अकादमी का यह प्रयास है कि करनाल से बेहतर खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर करनाल का नाम रोशन करें। इस तरह की प्रतियोगिताओं से खिलाड़ियों में आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अधिक मेहनत के साथ आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि आज के दौर में बच्चों को इस तरह के खेलों में जरूर भाग लेना चाहिए। खेलों में खिलाड़ी ना केवल अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं बल्कि आत्मरक्षा के लिए बच्चे अपने आप को तैयार कर सकते हैं। राष्ट्रीय कोच अमरजीत ने जानकारी देते हुए बताया कि शीघ्र ही करनाल में नॉर्थ लेवल की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा जिसमें विभिन्न प्रदेशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। इस मौके पर ज्योति, वरुण शर्मा, सुरेश कुमार, ज्योति, सोनू, सपना व गुरमीत कश्यप सहित बच्चों के अभिभावक मौजूद रहे। और शाम 4 से 5 बजे उम्मीद है प्रतियोगिता खत्म। डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं, क्या एज रहती है बच्चों की? बच्चे मिनिमम 4 साल का बच्चा है। ये करनाल सेकंड करनाल लीग है, किक बॉक्सिंग लीग, जिसमें पहले हमने अपनी दूसरी अकेडमी में करवाया था और आज हम इस अकेडमी में करवा रहे हैं, जिसकी स्ट्रेंथ लगभग 100 बच्चे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे। बस ये मुहिम है कि बच्चे और आगे बढ़े, बस यही चाहते हैं हम। क्या पर्पज रहता है इसके बच्चे? सर, इसका पर्पज ये है कि बच्चे आगे बढ़े, खेल को आगे लेके चले, किक बॉक्सिंग को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि बच्चे अच्छे से गेम भी करें और सीखे भी। पेरेंट्स को बल्कि बढ़ावा देना चाहिए आजकल के देख के समाज को कि बच्चों को और आगे तक लेके जाएं, यही पर्पज। कहाँ कहाँ से बच्चे आए हुए हैं? क्या सर, यहाँ डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आए हुए हैं करनाल से, अलग अलग स्कूल से, कॉलेजेस से बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के, और अलग अलग अकेडमी से हैं सर। क्या कुछ सिखाया जाता है? हम यहाँ पर बच्चों की बॉक्सिंग, सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं और बहुत अच्छी गेम है सेल्फ डिफेंस। हम तो इसलिए बच्चों को आगे लेना चाहते हैं, बच्चे आगे आए, हम उनको प्रॉपर तैयार करें और अपना खुद की रक्षा करें, और एज ए स्पोर्ट्स अगर बच्चा हमारे साथ प्ले करता है लेके जाते हैं उसको हम, और ओलंपिक के लिए अच्छा बच्चे के लिए चांस रहेगा। और हमारा यही टारगेट है कि बच्चे आगे बढ़ें, अब उनको आगे हम लेके जाएं। पेरेंट्स से यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को आगे लाएं और घबराने की जरूरत नहीं, इसमें कोई इसमें चोट लगने का खतरा नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये कि एज ए सेल्फ डिफेंस और एज स्पोर्ट्स। ये प्रतियोगिता कितने दिन चलेगी जो आप करवा रहे हो? आज ये फर्स्ट डे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।